बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी अच्छे हैं। और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि अभी आस्था की अपेक्षा खोंगा पानी में कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगने लगी है। और ये है मेरा कज़न, इसको कैमरा में बिल्कुल भी नहीं आना था, तो मैंने इसे ज़बरदस्ती कैमरा में लिया। कहा जब तक फेस को ऊपर नहीं करेगा तब तक इसको कैमरा में लेंगे, तो कह रहा बाजी प्लीज़ हटा दीजिए कैमरा को। फिर मैंने उसको कैमरे में नहीं लिया। उसके बाद हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे आइसक्रीम, और आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए आइसक्रीम खाने के लिए। बच्चों को खाना था आइसक्रीम, ऐसे अलग अलग बाइट में मंगाती तो किसी को कोई फ्लेवर चाहिए था, किसी को कोई फ्लेवर चाहिए था, तो कन्फ्यूजन हो रहा था। तो मैंने कहा अपने छोटे वाले भाई से कि सेम फ्लेवर लेके आओ और एक ही लेके आओ फैमिली पैक, ताकि हम सब कोई खा भी ले और किसी को फ्लेवर का कोई प्रॉब्लम भी ना हो, किसी को इशू भी ना हो। तो फिर बच्चे यहाँ पर एकदम इतना ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे कि जल्दी से काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे खोलिए, मम्मी इसको निकालिए उसको निकालिए करके सब बच्चे एक साथ झुक गए थे। तो मज़ा भी आ रहा था उन लोग को वेट कराने में कि अभी नहीं खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, वैसे खोलेंगे, ऐसे कर करके मस्ती कर रहे थे हम लोग। फिर इतना ज़्यादा लेट हो गया कि आइसक्रीम कुछ ज़्यादा ही मेल्ट हो गई थी। उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर रहे थे, तो हम जितने लोग थे घर में उसके हिसाब से कटिंग कर रहे थे। हम लोग घर में थे उस समय 10 लोग, तो 10 लोग के हिसाब से कटिंग हो रही थी, छोटी छोटी बाइट आ रही थी सबको। खैर कोई भी कोई बात नहीं, छोटी आए या बड़ी आए, फैमिली के साथ मिलके खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी मौका मिलता है तो इसी तरीके का मंगाती हूँ और फिर बच्चों के साथ इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ का गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी तो उस हिसाब से वीडियो बना रहे थे हम लोग, और फिर बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे थे। मैंने बच्चों को कहा कि अब आप लोग को नहीं मिलेगा, अब सब मैं खा जाऊंगी अकेले। तो बच्चे मस्ती कर रहे थे, बाजी दे दीजिए, गोलू मल्लू का फेस देखिए, गोलू मल्लू कि मतलब सच में हीना बाजी खा जाएगी, कहा कि वो वेट कर रहा था कि बाजी खा जाएंगी, कहा कि मल्लू नहीं नहीं खाऊंगी बाबू, आपके लिए बचा के रख देंगे। उसके बाद अल्फी यहाँ पे सबको भूत बन के दिखा रही थी कि मैं भूत बन गई हूँ, क्योंकि उसका ड्रेसअप ऐसा था कि सब बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। कोई उसे जादू कह रहा था, कोई उसे भूत कह रहा था, कोई उसे एलियन कह रहा था। फिर यहाँ पे सारे लोग अपनी अपनी कटोरी लेके आ गए और कटोरी कटोरी इन्जॉय करने लगे सब, अपना अपना कटोरी कि मुझे इसमें चाहिए, मुझे इसमें चाहिए, मुझे ये वाला चम्मच चाहिए, मुझे ये वाली कटोरी चाहिए। तो बच्चों को इसमें नोकझोंक चल रहा था, फिर मज़ा भी आ रहा था हम लोगों को। मैंने कहा सबसे लास्ट में हम लोग गोलू मल्लू को देंगे, तो गोलू मल्लू वेट कर रहा था, सबसे लास्ट में देंगे कह दिए उसको, तो पहले ही बैठ गया था। और फिर लास्ट के दो पीस बच गए थे, तो मैंने कहा जिसे कम पड़ेगा वो खा लेगा। तो सबने कहा कि ऊँट के मुंह में जीरा बराबर हो गया, पता ही नहीं चला। अगर आपको तकलीफ हो रही है खाने में तो हम आपकी तकलीफ कम कर सकते हैं, कर दें। वैसे हाथ से खाते हैं लीजा, तकलीफ हो रहा लीजा खाने में? कोई तकलीफ हो रहा है खाने में? हम आपकी तकलीफ कम कर दें? प्रॉब्लम हो रहा है गोलू खाने में? मैं खा जाऊँ आपका? इन लोग को बोल रही हूँ अगर तकलीफ हो रहा खाने में तो हम अल्फी चम्मच से खाते हैं। आपका चम्मच कहाँ है? कहीं गंडपी लेने है क्या? कैसे हैं आप लोग गाइस? बताऊंगी अल्फी। हाँ चम्मच से खाते हैं। जादू जादू अल्फी, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ क्या खा रही हो, क्या खा रही हो? क्या खा रही? उसके बाद किसी की क्या बोला ये मेरे लिए आ गया था स्पेशल लिट्टी और चोखा, ये चच्ची बना के भेजी थी, वो बनाई हूँ मैं अभी जब से आई हूँ तब से, वो कुछ ना कुछ बना के भेजी दे रही हैं। एक दिन वो जो फारा बोलते हैं ना हम लोग यहाँ, उसको गोजा पिट्ठा बोलते हैं, बहुत से लोग उसको फारा बोलते हैं, तो वो भी चच्ची बना के भेजी थी, और अभी ये लिट्टी चोखा भी चच्ची बना के भेजी है। तो जैसे ही आया वैसे मैंने वीडियो ऑन किया और कहा कि इसको इन्जॉय करते हैं और आप लोग को भी बताते हैं। वैसे चच्ची थैंक यू, बहुत ही टेस्टी लिट्टी चोखा बना था, खा के मज़ा आ गया था लिट्टी चोखा को। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग को लिट्टी चोखा की रेसिपी चाहिए या नहीं। अगर आप लोग को लिट्टी चोखा की रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि लिट्टी चोखा बनता कैसे है और खाते। ये क्या हो रहा है ना यहाँ? और कोई जगह नहीं मिला आपको सोने के लिए? कहाँ सोई हो? यहाँ पे पलंग में। कहाँ पे? यहाँ पे पलंग में। नानू आएंगे तो खुश आएंगे? क्या करेंगे? खुश आएंगे। खोजते नहीं है आपको? नहीं, कौन खोजता है आपको? नानू खोजते हैं। आते हैं तो उधर नानू आ गए, पान निकालने कौन जाएगा? नानू आ गए ना। किसकी गाड़ी का आवाज है? आप कहाँ आई हो अभी घूमने? कहाँ आई हो? कहाँ? आपका एडमिशन नहीं करा देते हैं ना पढ़ाई करना यहीं रह के?
यही रहोगी कि आस्था जाओगी? आस्था में मजा आता है कि यहाँ मजा आता है? क्यों यहाँ क्यों मजा आता है? नहीं वो भी सो जाएगी, जगह है, स्पेस है ना बेटा। अल्फू अल्फू आपका इसी मामू कहाँ गया बेटा, बुला लो। इनाया आपका वीडियो बन रहा है, इनाया आपका वीडियो बन रहा है। देख कैसे करके घर बना के खेल रहे हैं। मम्मी सुबह उठना है। क्या चीज? सुबह स्कूल जाना है, सुबह उठना है। अच्छा आप किसके साथ सोई हो? इसके साथ। ये कौन है? ये बेटी और मैं मम्मी। आपको तो स्कूल जाना है, तो आप मम्मी हो तो स्कूल कैसे जाओगी? अच्छा गोलू मोलू मम्मी बना है, चलो ठीक। किसको किसको स्कूल जाना है? मुझे लीजा। अच्छा आप दोनों को, अपनी मम्मी को बता दो टिफिन में क्या लोगी। मम्मी मैं टिफिन में मैगी लूंगी। हाँ आपका मैगी वीडियो में भी नहीं छूट रहा है ना। और लीजा क्या लेगी? मैगी और मैं भी मैगी। ठीक ठीक चलो ठीक। अब बंद कर दो कैमरा। मम्मी हम दोनों तैयार होंगे। मम्मी हम दोनों तैयार होंगे। ठीक ठीक और कुछ? और स्कूल छोड़ने कौन जाएगा? मेरी मम्मी छोड़ने जाएगी। आपकी मम्मी को नहीं बनता है गाड़ी चलाते? चलाते बनता है। क्या चलाती है आपकी मम्मी? स्कूटी। ओ ठीक 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 जाओ तब, बाय गुड नाइट, सो जाओ, अल्लाह हाफिज। लीजा आप भी बोल दो अल्लाह हाफिज। अब्बा हाफिज कह रही है। कौन जगा दिया? छोटी बच्ची बन गई है, आप बड़ी हो गई हो इनाया। मैं आ तो गई, मैं ना मम्मी हूँ। कौन है आपकी मम्मी? मामी, 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 बस बस बस, बस। कौन चला गया? मामू चला गया। कहाँ? किसका मामू था? पास का किसका मामू था? किसके मामू है? किसके मामू है? मुझे मामू चला गया। बुला लीजिए बिसी मामू, आ जाइए। मुझे मामू आ जाए जल्दी से। कौन चला गया बेटा? गुस्सा ही हो? गुस्सा हो? क्यों गुस्सा हो? कौन चला गया? कौन चला गया बेटा? उठू मैं? आ जाएंगे ना, बोलिए बिसी मामू आ जाइए। बुलाइए जल्दी से बिसी मामू से। गुतली कर ली, काहे गुतली कर ली उसको? आप गंदी बच्ची हो, वो गंदी बच्ची है, अल्फी गंदी बच्ची है, छोड़ो छोड़ो, गंदी बच्ची है। क्या हुआ बताइए अभी? ये गंदी बच्ची है ना, ये अच्छी बच्ची है और आप गंदी बच्ची है। क्या हुआ? तो अल्फी यहाँ पे अपने वसीम मामू को मिस कर रही है और मेरा वसीम मामू चिल्ला रही है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।